प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है। गुरुजी लड़की को मंगल है, गुरुजी लड़के को मंगल है, क्या करा जाए? कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष। जो प्रदोष पढ़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, चार बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है। मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे और श्वेत वस्त्र धारण कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, ए चंद्र तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है महाराज। हम अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन से प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन से प्रदोष पर करें, तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज
मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए, लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार है, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है, राइट। जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है, शंकर भगवान को माँ अपने हस्त कमल पर रखी हुई है, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव, ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती है, शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है, लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 5-11 बेलपत्र 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें, जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें, जिसको आप दरवाजे को खोलकर दरवाजे को स्पर्श कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर ले, फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है सब साथ। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 1 स्वाद चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना, 108 चावल के दाने मुझे आज शंकर भगवान को चढ़ाना, विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है आप पूरा करोगे मुझे विश्वास है, 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ, उसी तरह विशेष कामना के लिए विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है उसी तरह अक्षत की महत्वता, विशेष 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।